अगर आपने बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने साफ तौर पर बता दिया है कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में बताया कि कब कौन सा रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही कई अन्य चीज़ें भी हैं तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 24, 25, 26 अगस्त को इसकी परीक्षाएं हुई। परीक्षाओं में जो पेपर का स्तर रहा उसको लेकर के काफ़ी छात्र परेशान थे, इसको लेकर के इन्होंने अपडेट दिया है, सूचना दिया है। देखिए, सबसे पहले श्री अतुल प्रसाद जी की तरफ से ये ट्वीट किया गया कल शाम को, जिसमें उन्होंने बताया पेपर्स आर सेट बाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड देयर विजडम कांट बी डाउटेड। इनका कहना है कि जो सभी पेपर हैं वो एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए गए हैं और उनकी बुद्धिमत्ता पर हमको संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी छात्र पेपर के स्तर को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि पेपर इजी था या टफ था, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी तैयारी कैसी रही है। ठीक है, तो पहली बात तो इनका जवाब उन्होंने ये दे दिया। दूसरा, उन्होंने एक ट्वीट और किया जो आज सुबह किया 27 अगस्त को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि द टफनेस ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन हाउ फाइन द फिल्टरिंग इज नीडेड, लार्जर द कैंडिडेट वैकेंसी रेशियो फाइनर द फिल्टर शुड बी, दिस इज व्हाट हैपेंड इन टीआरई। उनका साफ तौर पर कहना है कि कैंडिडेट और वैकेंसी का जितना ज़्यादा अनुपात होगा, यानी वैकेंसी के सापेक्ष में जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ही फिल्टर हमें लगाना पड़ेगा, उतना ही टफ पेपर हमको बनाना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी फिल्टर हो पाए और जो वाकई में योग्य अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो। यही शिक्षक भर्ती में हुआ है, साफ तौर पर उनका कहना है। और आपने देखा भी होगा कि जो प्राइमरी स्तर का पहले दिन का पेपर था वो काफ़ी टफ था, उसके बाद जो टीजीटी पीजीटी के पेपर हैं वो अपेक्षाकृत आसान रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि प्राइमरी में कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से वहाँ पेपर जो थोड़ा पेपर का स्तर था हार्ड था, और टीजीटी पीजीटी में कैंडिडेट उतने अवेलेबल नहीं थे। पीजीटी में तो जितने वैकेंसी उतने ही कैंडिडेट नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर जो है पेपर मॉडरेट रहा। तो ये कारण ये रहा। आगे उन्होंने बताया है कि 9 से 12 के जो अभ्यर्थी हैं, यानी 9 से 12 के लिए जिन छात्रों ने आवेदन किया है, ठीक है, तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं होंगे जो कि अगर डिसक्वालीफाई नहीं है उसके बाद भी उनका जो है चयन हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी के केस में ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्होंने और नोटिस जारी करके ये बताया था कि कम से कम 75% वैकेंसी का या 75% कैंडिडेट ये लोग लेंगे, जो भी कम होगा। तो प्राइमरी में बात करें तो प्राइमरी में आप लोग जानते हैं कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो कम से कम 75% तो वैकेंसी इनको भरनी भरनी है, और टीजीटी पीजीटी में कैंडिडेट बहुत कम है। तो यहाँ पर जब कैंडिडेट कम है तो यहाँ पर ये होगा कि 75% कैंडिडेट इनको लेना ही लेना है, जो मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया है। ठीक है, अगर वहाँ तक भी आ जाते हैं आप लोग तब भी आपका चयन टीजीटी पीजीटी में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया को भी शिथिल किया गया है, नोटिस में आपने देखा होगा। इसके साथ ही एक ट्वीट इन्होंने और किया जो कि आज 27 अगस्त का ही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। रिजल्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होंगे उनके जो रिजल्ट हैं ये कई फेस में जारी किए जाएंगे, एक साथ जारी नहीं होंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 11-12 यानी पीजीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 9-10 यानी टीजीटी का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद प्राइमरी का रिजल्ट आएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कैंडिडेट सबसे कम किस में है? सबसे कम कैंडिडेट पीजीटी में है, 11-12 में है, उनकी कॉपी पहले चेक हो जाएगी तो उसका रिजल्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद 9-10 का होगा टीजीटी का, उसके बाद सबसे लास्ट में प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। आगे देखिए उन्होंने बताया है कि सभी 9 से 12 के जो टीचर्स हैं कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है।
तो जिस तरीके से यहाँ पर इनके तरफ से न्यूज दी गई है, अपडेट किया गया, उस हिसाब से अगर आप देखें तो मान लीजिए वैसे तो जो प्राइमरी वगैरह के रिजल्ट हैं 25 सितंबर तक आने की बात कही गई, लेकिन ये जो रिजल्ट है मुझे लगता है 15 सितंबर तक ही आ सकते हैं। 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में ही आपका पीजीटी वगैरह के रिजल्ट आ सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपना बनवाना शुरू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं बीएड को लेकर क्या होगा। तो देखिए बीएड को लेकर के अभी स्थिति साफ नहीं है। बीपीएससी है और जो बिहार शिक्षा विभाग है ये इंतज़ार कर रहा है एनसीटीई के अधिसूचना का। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है ठीक है, लेकिन अभी उसमें चांसेज हैं कि अभ्यर्थी रिव्यू पटिशन दायर कर दें। इस वजह से अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि फाइनल डिसीजन हो गया, हो सकता है रिव्यू पटिशन में फैसला पलट जाए या कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से अभी एनसीटीई ने अधिसूचना उसकी जारी नहीं करी है। हमें लग रहा है कि हो सकता है एनसीटीई इसी का वेट कर रहा हो कि अगर रिव्यू पटिशन जाती है ठीक है, या उसकी जो टाइमलाइन होती है उसको कंप्लीट होने के बाद जो है अधिसूचना जारी करे, तो उन्हीं सब चीज़ों का इंतज़ार है। और जैसे ही एनसीटीई की अधिसूचना जारी हो जाती है उसके बाद एनसीटीई 2018 गजट अप्रभावी हो जाएगा और इसके बाद ही कोई भी राज्य सरकार यह निर्णय लेगी कि बिहार शिक्षक भर्ती हो या कोई अन्य शिक्षक भर्ती वहाँ से बीएड को बाहर किया जाए। फिलहाल अभी कोई भी राज्य सरकार जो है ये डिसीजन नहीं लेगी जब तक एनसीटीई का अधिसूचना नहीं आती है ठीक है। तो फिलहाल अभी बीएड वाले अभ्यर्थी पात्र हैं, आप लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय क्या यथास्थिति होगी उस समय पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना।